ये देखें जी, माशाल्लाह से ये है इस साइड पे फिंचेस का सेटअप। फिंचेस हैं, डव हैं और जावा है, वाइट डव है। माशाल्लाह से डायमंड पाइट लगी हुई है। ये देखें माशाल्लाह इनको ब्रीड कर रही है और क्लासिकल क्वालिटी की है माशाल्लाह। ये अब दोबारा डिस्टर्ब हो रहे हैं बर्ड। ये देखें जी माशाल्लाह से एग ले किया हुआ इसने भी, कैमरा शायद आपको दिखा पा रहा हो। माशाल्लाह से बहुत बड़ा शेड है, शमर रोड के ऊपर शेड है ये, और केज मेकर हैं रियाज भाई, ये उनका शेड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लानेट। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी तमाम खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक शेड की ओपनिंग पर आए हुए हैं। ये मेरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं मेरे, मुबशर नजीब, ये भी एक बर्ड लवर हैं। तो आपको जो सा शेड की ओपनिंग दिखाने लगे हैं, विज़िट करवाते हैं आपको शेड। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप शेड की लेंथ वगैरह देख लें, माशाल्लाह से बैक साइड आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी माशाल्लाह से ये है इस साइड पे फिंचेस का सेटअप। फिंचेस हैं, डव हैं और जावा है, वाइट डव है। माशाल्लाह से डायमंड पाइट लगी हुई है। ये देखें माशाल्लाह इनको ब्रीड कर रही है और क्लासिकल क्वालिटी की है माशाल्लाह। ये अब दोबारा डिस्टर्ब हो रहे हैं बर्ड। ये देखें जी माशाल्लाह से एग ले किया हुआ इसने भी, कैमरा शायद आपको दिखा पा रहा हो। माशाल्लाह से बहुत बड़ा शेड है, शमर रोड के ऊपर शेड है ये, और केज मेकर हैं रियाज भाई, ये उनका शेड है। देखें ये माशाल्लाह से सारी ये डायमंड पार्ट लगी हुई है और माशाल्लाह से सब ब्रीडर पेयर हैं। ये फिंचेस हैं, ये देखें माशाल्लाह से ये भी पेयर जो सा ले करके बैठा हुआ है, ये भी डायमंड पार्ट का पेयर है। अभी थोड़ा मिक्सअप किया हुआ है, आज ओपनिंग है इनके शेड की। माशाल्लाह से दुआ खानी वगैरह करवाई है इन्होंने, इन्वाइट किया स्पेशल। ये देखें माशाल्लाह, कुछ लाइट की थोड़ी रिफ्लेक्शन की वजह से, वो बैक साइड पे थोड़ी सनलाइट है इस वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहे बर्ड्स, लेकिन माशाल्लाह टॉप क्वालिटी बर्ड्स हैं। इसने पेयर ने जैसे चिक्स भी निकाले हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत बड़ा सेटअप किया है इन्होंने। ये इस साइड पर जो उनका जी कॉकटेल है, ये कॉकटेल लगा हुआ है, ये रिंग नेक लगा हुआ है, इधर जो सा है जी, ये देखें वाइट रिंगनेक है, ये भी इनका ब्रीडर पेयर है। इसकी बैक साइड पे जो सा है वो लगा हुआ है रा, एक ऊपर वाली साइड पे बहुत बड़ा शेड है माशाल्लाह। ये अभी आज फर्स्ट डे है तो इन्होंने शिफ्ट किए हैं बर्ड यहाँ पे, तो डे बाई डे इंशाल्लाह ये जो सा इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, बर्ड ऐड करते जाएंगे इसमें। रोज़ा बुरकी भी है इनके पास, कोई बुरकी में म्यूटेशंस हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये भी एक काठे का पेयर है, अभी ये जो सा अडल्ट नहीं हुआ, ये कॉकटेल का पेयर है, ये माशाल्लाह से इनका ब्रीडर पेयर है। ये टेम्ड बर्ड है माशाल्लाह, चेक करें। मुझे बुरकी वगैरह का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ शौक नहीं है ये, लेकिन जो दोस्त बुरकी वगैरह पसंद करते हैं ये उनको पता होगा इसकी कौन सी म्यूटेशन है। ये कॉकटेल्स हैं ये माशाल्लाह, ये भी इनकी होम ब्रीड के हैं। ये कुछ एग्जीबिशन लटीनोस के पेयर हैं, इनके चिक्स वगैरह इन्होंने सेल्फ कर दिए हुए हैं। ये जी लटीनोस के बच्चे हैं, लटीनोस के जो पेयर है मैंने आपको दिखाए हैं, ये उनके सेल्फ हो गए हुए हैं चिक्स, इन्होंने सेपरेट कर दिए हैं। ये इन्होंने लवबर्ड के कुछ पेयर्स लगाए हुए हैं। ये कॉकटेल है, ये इन्होंने केजेस जो उनसे हैं यहाँ ग्रे के लिए रखे हुए हैं, और ये मेरे दोस्त हैं जी मुबशर भाई, हम लवबर्ड के शौकीन हैं, बहुत बड़े लवबर्ड के मास्टर।
कैसा लगा आपको इस सेटअप पे आके? ज़बरदस्त लगा, बड़ा अच्छा बनाया, न्यू सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह, देख के मज़ा लगा, देख के बड़ा खूबसूरत लगा है। फिंचेज़ बहुत अच्छी हैं, सारी क्रीम भाई की फिंचेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, सारी इंग्लिश लाइन है, बहुत खूबसूरत लगा, ज़बरदस्त है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है लव बर्ड में? लव बर्ड है, किसी दिन लगाएं मेरे घर भी चक्कर, इंशाल्लाह देखें मेरा चैट भी, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, आए मेरे पास भी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह विजिट करेंगे। ये भी टॉकेटिस और हैंड टेम्ड बर्ड है, ये भी हैंड टेम्ड बेयर है, माशाल्लाह ब्रीडर बेयर है इनका, माशाल्लाह से इनका ब्रीडर बेयर है। ये वाइट रिंग नेक का बेयर है, ये भी इनका ब्रीडर है, बहुत खूबसूरत बेयर है माशाल्लाह, और काफ़ी लेंथी शर्ट है माशाल्लाह। अभी ये इसको फुल करेंगे बर्ड्स वगैरह से, शर्ट की लेंथ देखें, और ये फाइबर इसके सेंटर में है, और ऊपर नीचे इसकी लोहे की शीट है, बहुत मजबूत शर्ट है, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा शेड है माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे इनको। तो मैं रियाज भी का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली ये केज मेकर हैं और बहुत अच्छी हाई क्वालिटी के केजेस वगैरह बनाते हैं। अक्सर एक इशू आता है लबर्ड में, जो अक्सर केज मैंने भी देखे हैं, एक सीनियर हैं हमारे, उनके पास नुमान भाई के पास एक इशू आया था, उनकी अल्बाइनो की फ़ीमेल की ये जो तार है लास्ट वाली, ये बिल्कुल यहाँ पे करके थी, जिनसे उन्होंने केज बनवाया उस बंदे ने यहाँ पे करके उसकी वायर वेल्ड हुई हुई थी, और उसकी वजह से उनकी अल्बाइनो रेड आइज़ लबर्ड की फ़ीमेल एक्सपायर हुई थी, ठीक है। वो यहाँ पे लबर्ड की टांग फंसती है और लबर्ड लटक के मर जाता है, वो टांग निकलती नहीं है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं आता रियाज भाई के केज में। आप ये देखें, ये जो रिक्वायर्ड होता है केज की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसकी डायमेंशन होती है, उसकी तारों की वेल्डिंग माशाल्लाह, जो बहुत परफेक्शन में केज बनाते हैं ये, कि ताकि बर्ड जो उनसा एक्सपायर ना हो और जो शौकीन है उसका नुकसान ना हो। तो रियाज भी का नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो जो भाई जो दोस्त इंटरेस्टेड हों, वो कार्गो जो उनसी है वो ओवरऑल पाकिस्तान में करते हैं ये। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।